अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमल सबके लिए, और मैं लाया हूं आपके लिए एक बेहतरीन मुजर्रब घरेलू नुस्खा जिसका नाम है मोटापा दूर करना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार अगर आएँ तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं कटता है। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके लिए घरेलू नुस्खा लेकर के आया हूँ, बहुत बेहतरीन और मुजर्रब नुस्खा है मोटापा दूर करने के लिए। अगर किसी भाई या किसी दोस्त का अगर मोटापा अगर बढ़ गया हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स यानी कि मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो, किसी का भी अगर मोटापा बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया हो, उससे चला भी नहीं जाता हो, बैठा भी नहीं जाता हो, और कोई काम भी अगर नहीं किया जाता हो, यानी कि हद से ज़्यादा मोटा बढ़ गया हो, क्योंकि मोटापा बढ़ने के बाद में जो है इंसान के शरीर पर चर्बी चढ़ने के बाद में होता क्या है कि उसका जो है सांस फूलने लगता है। अगर वो ज़रा सा कोई काम कर ले तो उससे काम हो नहीं पाता, यानी कि उसको जो है सांस फूलने की बीमारी सी पैदा हो जाती है, और जो है उसके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा थकावट होती है, बस उसका लेटे रहने को हमेशा दिल चाहता है। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा अगर कहीं अगर हो रहा है, आपकी पेट की चर्बी अगर बढ़ रही है या शरीर की अगर चर्बी बढ़ रही है, तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो आपको अमल ये तरीका जो बता रहा हूँ घरेलू नुस्खे का, आप इस तरीके को इस्तेमाल कीजिएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद ही दिनों के अंदर जो है आपके शरीर की चर्बी घट जाएगी और आपका शरीर एक बेहतरीन फिट शरीर आपका हो जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, 1 किलो पानी उबाल करके ठंडा करें। अगर आपको उर्दू आती है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आती है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अपनी ज़ुबान में लिखें या आपका अपने जहन में जो है उसको आपकी मेमोरी में दिमाग की मेमोरी में उसको फिट कर लें। 1 किलो पानी उबाल कर पहले उसको ठंडा कर लें। जब वो पानी गर्म हो जाए, ठीक है, जब वो पानी गर्म हो जाए तो वो ठंडा करने के बाद में उस पानी को फिर दोबारा थोड़ा और गर्म करें, है ना, उसको दोबारा फिर और गर्म करें, और गर्म करने के बाद में जब वो पीने के लायक हो जाए, इतना गर्म हो जाए, तब उसके अंदर जो है 15 ग्राम शहद मिलाकर शरबत की तरह पीने से जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोटापा दूर हो जाता है। जिस्म में किसी वजह से भी अगर चर्बी बढ़ गई हो तो वो घट कर जिस्म सही हो जाता है, पेट के सब मर्ज दूर हो जाते हैं। खाली पेट सुबह 3 महीने तक इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी कि पहले पानी को उबाल लें, फिर उसको ठंडा कर लें, फिर बाद में जो है उसको गर्म करें। मैं जैसे बता रहा हूँ आप उसी तरीके के साथ इस्तेमाल करें, पहले पानी को उबाल लें, जब वो पानी उबल जाए फिर ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद में उसको और गर्म करें, जब वो पीने के लायक हो जाए, इतना गर्म हो कि जिसको पी सकें आप, फिर उसके अंदर जो है आप 15 ग्राम शहद मिलाकर शरबत बना करके उसको जो है रोज़ाना सुबह खाली पेट 3 महीने तक इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी भी वजह से अगर आपकी चर्बी अगर बड़ी होगी तो वो घट जाएगी और आपका शरीर जो है बेहतरीन और तंदुरुस्त शरीर हो जाएगा, और साथ में जो है मोटापन दूर करने के लिए जो है कसरत सुबह सवेरे करें, यानी कि सुबह के साथ में जो है थोड़ा बहुत हल्की कसरत भी किया करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ से भी जो है आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी को फ़ायदा हासिल हो सके। मैं दुआ करता हूँ आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके आपके परिवार की हिफाजत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम।